जमशेदपुर के बरमाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिम बस्ती में रेलवे और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 25 कच्चे और पक्के घरों को ध्वस्त कर दिया। बर्मा माइंस क्षेत्र के मुसलमान बस्ती और यहां हो रहे अपराध पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। चार दिन पहले यह फायरिंग की घटना घटी थी। इससे पूर्व भी कई ऐसे आपराधिक घटनाएं घटती थी। साथ ही रेलवे की जमीन अवैध धंधों का हब बनता जा रहा था। बढ़ते आपराधिक घटनाओं को देखते हुए जिला पुलिस और रेलवे प्रशासन ने संयुक्त रूप से 4,500 वर्ग स्क्वायर फीट रेलवे की जमीन से 35 कच्चे और पक्के घरों को ध्वस्त कर दिया। जो इनका अवैध जो इन्होंने कब्जा कर रखा था, काफ़ी लोगों ने और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे थे, उनके खिलाफ़ एक मुहिम चलाकर आज जो इनके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को पनाह देने वालों का जो है कि जो उन्होंने बाउंड्री घेर रखा था और जो पनाह देते थे उनके खिलाफ थोड़ी सी कार्रवाई करी है और उसी के परिणाम स्वरूप आज की कार्रवाई हुई। सर, ये कहा जा रहा है कि जैसे कि जो पिछले बार में जो गोली चली उसके लेकर कैसे? ये पिछली बार नहीं, जो पिछली 6 गोलियाँ जो चली हैं, पिछले जो 6 कांड हुए हैं यहाँ पर और सभी यहीं को लेकर हुए हैं। जो यहाँ पे बालू का उठाव होता है और बार बार शिकायत आ रहा था कि यहाँ पे क्रिमिनल्स को पनाह दी जाती है, तो उसी के खिलाफ हमने ये कार्रवाई करवाई है। रेलवे का अतिक्रमण के अगेंस्ट में रेगुलर ड्राइव चलते रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, जुगसलाई तरफ, बागबेड़ा तरफ भी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ड्राइव चलाया, तो ये भी रेलवे की ज़मीन है और यहाँ पर बहुत से आउटसाइडर और क्रिमिनल तत्वों के बारे में भी खबर मिल रही थी, तो हमने पुलिस के साथ मिलके ये जॉइंट रेड चलाया और इसमें IOW लैंड का हमारा भी साथ में रहे। हम लोगों ने कल आके यहाँ पर रेकी किया था कौन कौन सा जगह हमारा कैप्चर है और आज प्रोग्राम बना के हम लोगों ने इसको कहा जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की कुछ सूचना नहीं दिया गया। नहीं, ये तो इल्लीगल है ही। हम लोग बीच बीच में पिछले 2 महीने में हमने 2-3 बार आके यहाँ पर घरों को तोड़ा है, जो भी नया, ये सब नया बना हुआ था पिछले कुछ दिनों में। इन लोगों को बार बार मना करने के बाद भी, ये तो रेलवे लैंड डिपार्टमेंट का है, हम लोग तो उसके बारे में नोटिस देना पुलिस का काम नहीं है, वो लैंड डिपार्टमेंट का है। कहा जा रहा है कि यहाँ जो है कुछ गोली चलने की वजह से ही इन लोगों को जो बेकसूर का भी घर को तोड़ा गया। नहीं, हम लोग कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार है इसका फैसला नहीं करते हैं। हमारा काम है कि रेलवे की ज़मीन पर जो भी अवैध कब्जा है उसको कब्जे से मुक्त कराना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।